हेलो दोस्तों नमस्कार। ये जो हायर का टीवी एलईडी है देख सकते हैं, ये हायर का ये वाला मॉडल है। और प्रॉब्लम इसमें यह है दोस्तों कि ये ब्लैंक है, यानी कि डिस्प्ले बैकलाइट ओके है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है, पिक्चर नहीं आ रहा कुछ इसमें। तो चालू करने के बाद इसमें मैंने देखा कि ब्लैंक आ रहा है पिक्चर पूरी तरह से, बैकलाइट ओके है, देखिए इसका बैकलाइट ओके है लेकिन पिक्चर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या फॉल्ट होता है, आज मैं आप सभी को बताऊँगा। देखिए बैकलाइट यहाँ पे जल चुका है इसका, यहाँ से दिखता होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा बैकलाइट। देखिए ये कहाँ से, देखिए यहाँ से बैकलाइट जल रहा है, देखिए यहाँ से बैकलाइट जल रहा है अंदर, यहाँ पे दिख रहा होगा लेकिन टीवी चालू में पिक्चर नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, ब्लैंक है पूरी तरह से। दोस्तों ऐसे में क्या फॉल्ट होता है, आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताता हूँ। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों हमें टीवी चालू करके उसका वोल्टेज चेक करना है। तो वोल्टेज क्या चेक करना है, वोल्टेज हमें सबसे पहले इसका 12 वोल्ट जो डिस्प्ले पे आता है वो चेक करना है, क्योंकि अगर डिस्प्ले का 12 वोल्ट अगर हमारा नहीं आता रहेगा टीवी का तो फिर टीवी में डिस्प्ले नहीं आएगा। तो सबसे पहले मीटर को हमें ऑन करना है। अब हम 12 वोल्ट चेक करेंगे, तो शुरू करते हैं। देखिए जैसे 12 वोल्ट हमारा है, देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ चेक कर लेना है, देखिए यहाँ 12 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद चेक करना, देखिए यहाँ पे फ्यूज लगा होता है, देखिए ये आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक फ्यूज है, देखो ये। अब इस फ्यूज के दोनों साइड अगर हमारा दोनों साइड में अगर वोल्टेज आ रहा है तो मान के चलना कि आ रहा है, दोनों साइड आ रहा है, यानी कि फ्यूज ओके है। फॉल्ट दोस्तों हमारा अब डिस्प्ले के कॉप के इधर है। तो सबसे पहले हमारा जो इस वक्त कटिंग करके हमारा काम हो जाएगा, तो आइए हम इसको कटिंग करते हैं। कटिंग करके आपको दिखाते हैं कि हमें क्या कटिंग करना है, कौन सा पॉइंट कटिंग करना है, वो चीज़ मैं आप सभी को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले कटिंग कर लेता हूँ, फिर मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो अच्छा मैं कटिंग कर लूँगा, ये मैं जो कटिंग कर रहा हूँ मैंने कटिंग कर लिया है। अब मैं आप सभी को दिखाता हूँ कौन सा पॉइंट कटिंग करना है, कितना छोड़ना है, वो सब मैं आपको दिखा दूँगा। देखिए यहाँ पर जूम करके मैं दिखाता हूँ आप सभी को, देखिए जूम कर दिया है मैंने, क्या किया है ना, देखिए ये जो दोनों बीच का पॉइंट है, ये देखिए ये वाला, ये दोनों कटिंग करना है। देखिए ये वाला लग गया है, इसको छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना। इसके बाद दो इसमें जो है, ये दोनों के बीच का जो लाइन आपस में ट्रैक है यही कट करना है। ये कट करने के बाद पिक्चर आने का चांस रहता है। इसमें दो साइड होता है लेकिन वन साइड पहले हम कटिंग करके देखते हैं, उसके बाद अगर यहाँ नहीं होता था फिर नेक्स्ट साइड में कटिंग करके मैं आप सभी को दिखाऊंगा। तो एक मिनट, सबसे पहले जूम हो गया ज़्यादा, जूम को हम कम कर लेते हैं, टीवी को ऑन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों देख सकते हैं पिक्चर आ चुका है, इसका मतलब फॉल्ट जो था हमारा डिस्प्ले का जो कटिंग का था वो मैंने आपको कटिंग करके दिखा दिया। फिर से आपको जूम करके एक बार मैं दिखा दूं ताकि आप भी आसानी से उसको कटिंग कर सकते हैं। आपको कटिंग क्या करना है ये देख लेना, ध्यान से देख लीजिए, देखिए कहाँ गया, यहाँ देखिए मैंने कटिंग किया हुआ है इस लाइन को, देखिए ये वाला ग्राउंड है, उसके बाद एक और छोड़ देना, उसके बाद एक और छोड़ देना है, उसके बाद चार को कटिंग करना है। ये कटिंग करने के बाद पिक्चर आपका आ जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ से भी कटिंग करके नहीं आता पिक्चर तो आप फिर से इसे ज्वाइन करके आ जाइए इस साइड, इस साइड का जो कटिंग है वो देखिए यहाँ पर है। मैं जूम से थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ,
देखिए इसको यहाँ से भी कटिंग किया जाता है। ये ब्लर हो रहा है मोबाइल मेरा। वो मैं मेरे एक वीडियो में है, वो भी आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देख सकते हैं टीवी ऑन हो गया है, सब कुछ आ गया है दोस्तों। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।